स्टूडेंट्स, आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है स्टेथोग्राफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेथोग्राफी? दैट यू रिकॉर्ड डिफरेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट मैन्यूवर्स, लाइक नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, इन कफिंग, स्नीजिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज। सो दीज मैन्यूवर्स affect your pattern of breathing. So these will be recorded with the help of a stethograph, which is also called as pneumatograph. So what is the principle of this stethography? That actually during these different movements there is some pressure generated which is transmitted to the stethograph, एंड दिस प्रेशर इज देन रिकॉर्डेड ऑन द ग्राफ पेपर। सबसे पहले अपरेटस जो कि स्टेथोग्राफी में यूज होगा, ये हमारे पास तकरीबन 6 इन नंबर है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉरोगेटेड ट्यूब है जिसको हम स्टेथोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और इसमें एक रबर ट्यूब है कॉरोगेटेड जो एक साइड पे बंद है और इसकी साइड्स पे क्लिप्स अटैच, ठीक है। एक साइड इसकी बिल्कुल क्लोज्ड है, दूसरी साइड पे दूसरा क्लिप अटैच है जिसके साथ एक चेन जाती है, और ये चेन जो है चेस्ट के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो है चेस्ट की मूवमेंट्स रिकॉर्ड हों। दूसरा जो इसके साथ हिस्सा है वो क्या है, एक रबर ट्यूबिंग है। ये रबर ट्यूबिंग जो है जाके कहाँ पे कनेक्ट होती है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ब्रोडीज या मैरीज टेम्बूर कहते हैं। तो ये एक राउंडेड सा सासर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी अपर सरफेस थोड़ी सी नरम सी है, जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये तकरीबन 3 इंचेस में होता है, और इसके ऊपर एक डिस्क सी है, और ये किसको अटैचमेंट दे रही है, एक लीवर को, और इस लीवर के साथ एक पेन रिकॉर्डेड होता है। ये पेन जो है जाके इस ड्रम पे जिसके ऊपर ग्राफ पेपर अटैच है, और ये ड्रम किसका है, काइमोग्राफ का। तो ये ड्रम मूव करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, और जो चेंजेस आती हैं उसके दौरान वो इस पेन की मदद से यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, और उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं कि किस तरह से ये चेंज आई है बोलने के दौरान, कफिंग में, स्नीजिंग में, इसके अलावा नॉर्मल रेस्पिरेशन में किस तरह से होगी। तो जो इसके अलावा हमें इस मैन्यूवर्स के लिए तीसरी चीज़ चाहिए वो आपका काइमोग्राफ है। ये जो है मुख्तलिफ स्पीड्स पे रोटेट कर सकता है। इसका ये बेस लाइन पोर्शन है जिस पे आप मुख्तलिफ जो है वो कर सकते हैं, अपनी स्पीड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल के दौरान हम स्पीड को क्या करेंगे, 3 पे रखेंगे, ठीक है, 3 पे रखेंगे, और ये इसका ड्रम है, ये 3 की स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आपको ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, तो हर ग्राफ पेपर पे ये जो स्मॉल स्क्वायर है, ये जो टाइमिंग शो कर रहा है 2.5 सेकेंड्स। फिर इसी ऑपरेटर्स के दौरान आपको, इसी प्रोसीजर के दौरान आपको एक जो है ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक पेपर बैग, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक पॉलीथीन बैग ले लें। तो यह अब हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मैं डॉक्टर सादिया हूँ, और मैं आपके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाह रही हूँ, क्या आप मुझे उसकी इजाज़त देते हैं? जी इजाज़त, ठीक है। तो अब इन्होंने मुझे कंसेंट भी दे दिया है। अब हमारा पास जो थर्ड स्टेप है, हमने क्या करना है कि हमने ये जो स्टेथोग्राफ है इसको इनकी चेस्ट के अराउंड जो है उसको हमने वो टाई कर लेना है, और उसके बाद हम मुख्तलिफ मैन्यूवर्स में जो इनका ब्रीदिंग पैटर्न है वो इस ड्रम के ऊपर चेक करेंगे। अच्छा जी, हमारे दो स्टेप्स हो गए थे, इंट्रोडक्शन और कंसेंट। अब तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हमने स्टेथोग्राफ को टाई करना है अराउंड द चेस्ट। तो इसमें हमने एक प्रिकॉशन लेनी है कि जो सब्जेक्ट है वो उसकी बैक हो टुवर्ड्स द ऑपरेटर्स, और ये ट्यूब हमने
जो इसके साथ चेन थी उसको हमने यहाँ पे जाके टाई कर लिए टाइटली, ताकि यहाँ पे मुख्तलिफ मूवमेंट्स में जो चेंजेस आए वो रिकॉर्ड हो सके। तो सबसे पहले जो है हम जो है अपने ऑपरेटर्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो लीवर है और उसके साथ जो पेन अटैच है वो प्रॉपरली ग्राफ पेपर को टच कर रहा है। अब हमने स्विच ऑन कर लेना है टाइमोग्राफ का, ताकि वो स्पीड अपनी स्टार्ट करे, ठीक है। अब हमने इनको कहना है जी, अब आपने क्या करना है कि नॉर्मली सांस लेना है, नॉर्मली ब्रीद करना है, ठीक है। अब ये वाली जो ब्रीदिंग है इसको हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, किसके ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर। अभी ये पहला स्टेप है हमारे पास, नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें जो ग्राफ बनना है वो किस तरह से ग्राफ। अच्छा, तो ये हमारे पास अब ग्राफ बन रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, यानी फोर्सफुली ब्रीद नहीं कर रहे जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। अब मैं इनको कहूँगी कि पानी के गिलास में इसको ऑन रखें और पानी पीते वक्त हम इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि मूवमेंट कैसे होती है। अब पानी पिए ऐसा ऐसा, ठीक है, और इस दौरान हमें देखना है कि किस तरह से ग्राफ बनता है। अब इन्होंने पानी पी लिया है और पानी पीने के बाद दोबारा ये नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अब कहूँगी कि कफ करें, हाँ जी आप थोड़ा सा कफ करें। तो इसके साथ जो है हमने दोबारा ग्राफ जो होगा उसको देखना है कि वो किस तरह से हमें नॉर्मल वो दे रहा है। कफ करने के बाद थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीद कर रहे हैं। अब मैं इनको कहूँगी कि थोड़ा सा अगर छींकने की कोशिश करें, छींकें थोड़ा सा, तो ये भी उसका हम पैटर्न देखेंगे कि छींकते वक्त जो है इसका पैटर्न क्या बन रहा है। अब ये दोबारा फिर से नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं। अब मैं इनसे कुछ बातें करूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि जब हम नॉर्मली टॉकिंग है उसके दौरान किस तरह से जो है हमारे पास स्टेथोग्राफ बनता है। तो हाँ जी, आपका नाम क्या है? इमरान अली। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक है, आपका काफ़ी बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी तामन कर रहे हैं हमारे साथ। तो अभी थोड़े से एक दो स्टेप बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप फ्री हो जाएंगे। अच्छा, तो अब जो है इन्होंने इसके बाद दोबारा नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे। और अब मैं इनसे कहूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपना सांस रोकें, ठीक है, सांस रोकें आप। और इसको हम जो है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच देखेंगे, ये उंगली उठाएंगे जब इनको सांस रोकने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये मैं साथ एक स्टॉप वॉच भी यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें टाइम पता चल सके, इसको ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। तो जी अब स्टार्ट। ठीक है जी, इसमें हमारे पास तकरीबन टाइम 0.06 सेकंड आया है, वो भी ग्राफ में मेंशन हो गया। तो सांस रोकने के दौरान जाहिर है ये कर्व फ्लैट हो जाएगा क्योंकि कोई मूवमेंट्स वहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से अब फिर ये नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। अब मैंने कहूँगी कि आप 10 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से सांस अंदर लें और बाहर को खींचें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नॉर्मल पे आ जाए। अब ये साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये दोबारा उसके बाद नॉर्मल। अब हमने लास्ट में ये करना है कि इसको डिटैच कर लेना है और इनको हमने कहना है कि थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करें।
उसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज मशीन है, उस पर ये थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। और आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए होगा। इसका इफेक्ट हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट सेटोग्राफी पे क्या है। जैसे ही टाइम गुजरता है मैं इनको स्टॉप कराऊंगी और उसके बाद दोबारा हम इनकी सेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। दोबारा जो इंस्ट्रूमेंट है टाई किया है अराउंड चेस्ट, और इसका लेवल जो है वो हमने क्या रखा है, द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस। तो एक्सरसाइज के बाद हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। नॉर्मली इसको जो है थोड़ा सा रैपिड बनना चाहिए और मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जब तक ये नॉर्मल पे नहीं आ जाता हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब जैसे ही नॉर्मल पे आएगा उसके बाद हम दोबारा कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे ताकि उससे हम अपना रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी, अब हम जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड, जो प्रोसीजर है वर्ल्ड अप हो गया, लेकिन ये एंड नहीं है। पहले हमने इनको थैंक यू बोलना है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्ला। अब मैं ये इनका जो ऑपरेटस है इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी, और उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो ये है कि हमने ग्राफ पेपर पे इन मूवमेंट्स को देखना है कि किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। पेपर पे रिकॉर्डिंग्स आई हैं, उनको हमने देखना भी है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो ये इस तरह से था कुछ ड्रम पे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, यहाँ से स्टार्ट लिया था, फिर ये ड्रम पे चूँकि यूँ करके रोटेट कर रहा था तो ये हमारी यह सारी रीडिंग इस तरह से जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे हम देखते हैं ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जब इंस्पिरेशन होती है कर्व नीचे की तरफ जाता है और एक्सपिरेशन में कर्व ऊपर की तरफ आता है। अब ये नॉर्मल ब्रीदिंग का पैटर्न आपने देख लिया, उसके बाद हमने उन्हें कहा कि पानी का ग्लास पिएं। तो इस दौरान जो है जब हम कुछ पी रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारे एपनिया होते हैं। एपनिया मीन्स नो ब्रीदिंग मूवमेंट एट दैट टाइम, तो इसको हम डीग्लोटेशन एपनिया कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ना कोई इंस्पिरेशन और ना एक्सपिरेशन। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला हमारे पास कफिंग और स्नीजिंग का ग्राफ आ रहा है। उसमें ये होता है कफिंग और स्नीजिंग के एंड पे क्या होता है कि देर इज़ डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय शैलो एक्सपायरेशंस। उसके बाद हमने दोबारा उन्हें स्नीजिंग के बाद जो है उन्हें कहा कि नॉर्मली ब्रीद करें, तो ये यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाती है। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि ब्रेथ होल्डिंग करें, तो ब्रेथ होल्डिंग का क्या मतलब है कि इस दौरान भी कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो है आप दोबारा उन्हें कहते हैं, जब ब्रेथ होल्डिंग का हमने टाइम नोट किया था वो 0.0 सेकेंड्स था, 0.06 सेकेंड्स था। अब जो है हम उनको दोबारा कहते हैं कि नॉर्मल ब्रीथ करें, नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई। उसके बाद हमने उनको एक्सरसाइज करानी थी, तो एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमने क्या किया था कि थोड़ी देर के लिए हमने स्टेथोग्राफ को रिमूव कर दिया था और उनको कहा था कि एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो है काफ़ी देर तक हमने देखा कि उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो रैपिड है, यानी आपका रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद हमने ये वाला फेज जो है वो शो कर रहा है कि कितनी देर लगी है ब्रीदिंग को दोबारा नॉर्मल पैटर्न में आने के लिए, तो ये हमने नोट किया। उसके बाद जो है एक मैन्यूवर हमने ये किया था कि जब वो ब्रीथ करते हैं इन द पॉलीथीन बैग,
तो उसके लिए हमने एक पैटर्न रिकॉर्ड किया है। उसमें क्या होता है कि वो उसी एक शॉपर में वही अमाउंट ऑफ एयर है, उसमें बार बार ब्रीथ कर रहे हैं, थोड़ा सा हाइपोक्सिया भी हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो ब्रीदिंग जो है डीप भी हो जाती है और रैपिड हो जाती है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने एक लास्ट चीज़ है जो कि हम रेस्पिरेटरी रेट इसकी मदद से नॉर्मल ब्रीदिंग से निकाल सकते हैं, और वो ऐसा है कि जहाँ पे हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है हम वहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये दिस इज़ ये वन जो आपके पास स्कोर है दैट इज़ 2.5 सेकेंड, और ये जो है आपके पास क्या हो गया 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स में आपके पास कितने रेस्पिरेटरी साइकिल हैं, एक साइकिल में एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती है, और इसी तरह से दूसरे में दूसरी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये दो स्क्वायर्स में या 5 सेकेंड्स में हमारे पास दो रेस्पिरेटरी साइकिल्स हैं। तो अगर हमने रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा मैथ यूज़ करेंगे। वो ये है कि अगर 5 सेकेंड्स में आपके पास रेस्पिरेटरी साइकिल्स दो हैं या रेस्पिरेटरी रेट क्या है 2 है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 2/5, और 60 सेकेंड्स यानी एक मिनट में कितना होगा आपके पास 2/5 × 60, तो ये तकरीबन 24 पर मिनट आ रहा है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो हमारे पास 12 to 24 है, यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम आ रहा है वो 24 है, लेकिन अगर ये इसके बीच में कहीं होता तो ये नॉर्मल होता और ये भी हमारे पास नॉर्मल की अपर लिमिट आ रही है। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग थी, ऑब्जर्वेशंस थी, और इसके अलावा जो है हम इन ऑब्जर्वेशंस को अपनी कॉपी में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। असल चीज़ जो है आपके पास ये ग्राफ पेपर है, लेकिन एक टेबल भी आपने एट द एंड फिल करना है, उसको हम शो करते हैं कि कैसे हमने उसको फिल करना है।